हम एंटर हो चुके हैं, ये वे है म्यूजियम का, और ये मेरे पीछे आप देखेंगे, बताएं ना 64 एकड़ के ऊपर ये 64 एकड़स के ऊपर ये पूरा इसका रकबा है। आप आसपास देखेंगे बड़ा खूबसूरत पार्क बना हुआ है, और मैं अब इसके फुटेजेस इस वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे बहुत सारे व्यूअर्स ने जिन्होंने मुझे मैसेजेस किए थे कि अगर आप कोलकाता आए हैं तो आप ज़रूर विक्टोरिया जाइएगा। और मैं रोज़ ईडन गार्डन ग्राउंड से निकलता था तो मेरा दिल करता था, रात को भी मैंने इसका वीडियो बनाया था, लेकिन वो चूँकि रात थी तो इसलिए फिर आज मैंने प्लान किया कि जाने से पहले एक बार विक्टोरिया का ज़रूर मैं, ये पीछे विक्टोरिया है और ये बड़े बड़े खूबसूरत आप देखें कि पाम ट्रीज़ लगी हुई हैं, ये मेरे बैग के ऊपर देखें कि कितना वंडरफुल सीन है, कितने अच्छे नज़ारे हैं, ये देखें जी, ये अब दूसरा व्यू है ऑन दैट साइड, और अब मैं जा रहा हूँ अंदर, थोड़ी वीडियो मेरी लंबी होगी क्योंकि मैं ऑल राउंड इसको कंटिन्यू किया हुआ है मैंने, और बहुत वंडरफुल, बहुत खूबसूरत, बड़ा साफ़ सुथरा, इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये इस तरह के चीज़ें हैं, ये देखें जी, अब ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये विक्टोरिया बिल्डिंग है, और ये से थोड़ा सा मैं कंटिन्यू करूंगा, वीडियोस मैं बनाऊंगा इसकी, और इसी कंटिन्यूटी के साथ मैं चाहूंगा कि ये वीडियोस साथ एडिट होकर ये लगें जी। ये देखें जी, स्कूल के स्टूडेंट्स जिस तरह ये स्टडी टूर्स होते हैं और लोग आते हैं यहाँ पर, ये देखें, ये मेन प्लेस है। हिस्टोरिक प्लेस है कोलकाता में, और ये हम विज़िट कर रहे हैं, इसके सराउंडिंग को देखें आप, कितना अच्छा है, साफ़ सुथरा गार्डन है, और ये देखें जी आप, ये व्यू है, और बड़ा हिस्टोरिक प्लेस है, बहुत ज़्यादा रश है, पता नहीं हम अंदर जा सकेंगे टाइम की शॉर्टेज की वजह से या नहीं। ये मेन रास्ता है और ये इसका आउटर व्यू है, ये 64 एकड़ के ऊपर है ये पूरा रकबा, ये देखें, ये आप ज़रूर इसको लाइक करेंगे, ये देखें, ये पूरा इसका अंदर इसके म्यूज़ियम भी है, कोशिश करेंगे कि हम इस म्यूज़ियम में भी जाएं और आपको थोड़ा सा इनसाइड भी मैं दिखाऊं। इसके साथ ग्राउंड है, ये इसका मेन का शॉट है,
ये देखें ये इसके आउटस्कर्ट्स हैं, गार्डन्स हैं, बड़े खूबसूरत गार्डन बनाए हुए हैं इन्होंने। और अब हमने अंदर जाना है, टाइम शॉर्ट है हमारे पास बहुत, आ जाए। ये देखें जी, ये क्लोज ऑन मंडेज, ये इसकी स्टेयर्स हैं, उस तरफ भी आप देखेंगे चीज़ें बनाई हुई हैं। वंडरफुल, ये देखें, पूरी कॉन्टिन्यूटी है। ये देखें जी, ये विक्टोरिया म्यूज़ियम के अंदर के मनाज़िर हैं, ये आप देख रहे हैं, ये सारी हिस्ट्री है यहाँ की। ये बड़े एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, ये हमें मौका मिला है ये देखने का।
1960 का है ये। अब हम इनसाइड जाएंगे दूसरी तरफ, ये मेन डोर है जहाँ से हम आए थे, और नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दिस वन। वाओ वंडरफुल, ये देखें, ये सिर्फ आप ऊपर देखें कि कैसा काम हुआ हुआ है और कैसा केयर की हुई है, इसको म्यूजियम बनाया हुआ है। और ये देखें जी, ये पूरा उन्होंने इसका लिखा हुआ है हिस्ट्री, एलान औलिया हज़रत मलका मौज़म विक्टोरिया व मकाम अलाहाबाद बतारीख़ 1 नवंबर 1858। ये पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप इसको बहुत बआसानी पढ़ सकते हैं। हकूक वकार और इज़्ज़त को इस पासदारी का मुस्तहिक तसव्वुर फरमाएंगे जो हम खुद अपने हकूक वकार और इज़्ज़त के साथ रवा फरमाते हैं, और हम चाहते हैं कि ये सारा उन्होंने उर्दू के अंदर लिखा हुआ है। ये मेन डोर है इसका, देखो जी कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है। ये वंडरफुल, और ये एक तरफ उर्दू में है और इस तरफ हिंदी में है सारा इसकी हिस्ट्री, और इंग्लिश में भी एक साइड के ऊपर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखें, और ये वो सारे तलवारें और ये वेपन्स हैं सारे उन्होंने। ये इंग्लिश के अंदर है, मिशन ऑफ क्वींस विक्टोरिया अलाहाबाद नवंबर 1, 1858। हिस्ट्री है यहाँ की, ये भी आप देखें हिस्ट्री लिखी हुई है। ये हिंदी में है सारा कुछ, देखें कितने ज़बरदस्त दरवाज़े हैं, और ये सारा कुछ इन्होंने उधर लगाया हुआ है। ये देखें स्वॉर्ड्स, आर्म्स, एवरीथिंग, ये आप देख सकते हैं कि इट्स वंडरफुल। ये देखें इसका आप टॉप देखें सिर्फ, ये सारा टॉप व्यू है इसका, ये देखें आप। पूरी पेंटिंग्स हैं ऊपर, ये देखें खूबसूरत इन्होंने बनाया हुआ है, रियली इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव है। और यहाँ से वे आउट है, और अब हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से आउट हो, और मैं पिक्चर्स की थोड़ी सी भी शेयर करूँगा आपके साथ, और इसके बाद कंटिन्यू करूँगा, इसको क्लोज़ करूँगा इस वीडियो को। ये मेरा दौरा था यहाँ का, रियली इन्जॉयड और बड़ा इम्प्रेसिव। ये मार्बल्स देखें आप, ये लास्ट वन है, इधर से आउट होना है हमने, और ये भी सारा इन्होंने बनाया हुआ है। ओह वंडरफुल जी, सो वंडरफुल, ये देखें क्लाइव
बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है, ये देखें। The French gun, brass and iron, 18th century. This gun was captured by Colonel Robert Clive, the military general of the British East India Company, from the French troop in alliance with the Nawab of Bengal, Sirajuddin Daula, in the Battle of Plassey on 23rd June 1975. ये देखें जी, बड़ी तारीखी चीज़ें हैं यहाँ पर। ये देखें जी, ये मैं आपको दिखाऊंगा, ये ऊपर देखें कितना ज़बरदस्त व्यू है। और ये है द ब्रास एंड आयरन 18th century। ये अब इस साइड पे आएंगे, ये बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं सिर्फ यहाँ को हिस्ट्री को देखने के लिए। ये देखें जी, ये ब्रास गन बिलोंग्स टू महाराजा कृष्णा चंद्र रॉय, इसकी सारी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये है, ये इसका टॉप शॉट है, ये देखें, टू ब्यूटीफुल, कमाल का इन्होंने बनाया हुआ है सारा कुछ। ये देखें इसके जो दरवाजे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, आप देखें सर। मैं आपको वीडियोस दिखा रहा हूँ, बड़ी एक्सक्लूसिव। मैं कोलकाता में, मेरा बिल्कुल फाइनल दिन है, हैव टू लीव नाउ, और जितनी मेरी कोशिश है कि मैं आपको दिखा सकूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें जी, ये विक्टोरिया, ये इस तरफ आप देखें, ये देखें जी, ये सारा, ये आर्म्स एंड एमुनिशन हैं सारे उस दौर के। ये देखें जी, ये दरवाज़ा देखें जी, और ये देखें जी, अब ये पिक्चर्स हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये व्यू दिखाना चाह रहा हूँ, कितना खूबसूरत बना हुआ है। वंडरफुल चीज़ें बनाई हुई हैं इन्होंने, रियली इम्प्रेस। ये देखो जी, सब टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं। उस्मान, ये देखें जी, ये बिल्कुल आपको मैं अंदर के मनाजिर दिखा रहा हूँ, बड़े ज़बरदस्त मनाजिर हैं। ये ऊपर देखें, हमने विज़िट किया जी विक्टोरिया का, सो वंडरफुल विज़िट। बिल्कुल लास्ट डे था कोलकाता में, और बड़ी हरी में हमने कहा कि इस जगह का विज़िट बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे टूरिस्ट हमने यहाँ पर देखे, इट्स अ वंडरफुल प्लेस। अंदर म्यूज़ियम का भी पूरा हमने विज़िट किया, बहुत सारी हिस्ट्रीज हमने देखी, हमें पता चला कि क्या है हिस्ट्री का।
वेपन्स, आर्म्स, एमिनेशंस और जो प्रिजर्व की हुई है हिस्ट्री, पिक्चर्स, एवरीथिंग वहाँ पर मौजूद थी. वी रियली एंजॉयड. और कलकत्ता से अब खुदाफिस, बिल्कुल जाने का वक्त हुआ जाता है. अब मैं ट्रैवल करूँगा बाय ट्रेन. कुछ ही देर में मैं स्टेशन जाऊँगा और मज़ीद चीज़ें भी आपके साथ शेयर करता रहूँगा. लॉट्स ऑफ लव और जो आप लोगों ने मोहब्बत दी उसका भी शुक्रिया. कलकत्ता से अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा अल्लाह ने के बाद.